हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो या फिर आपने रिसेंटली ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है बट आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज नहीं है, सो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का समझता है या फिर आपको नहीं भी समझता, वेरी वेरी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग मेथड डिस्कस करेंगे। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, आपको ज़्यादा समझता नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के, इसमें चार्ट्स क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँ, क्या इंडिकेटर में यूज़ करूँ, मैं इस वीडियो में आपको साथ बहुत ही पावरफुल एक इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ और वो रहेगा प्राइस एक्शन। या दोस्तों, गुजराती में हमेशा कहा जाता है भाव भगवान छे, ठीक है, प्राइस इज सुप्रीम, प्राइस इज गॉड। सो प्राइस को पकड़ के हम कैसे ट्रेड कर पाए वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप जब भी चेक करोगे यूट्यूब पे या फिर अनदर प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी मिलेंगी, पर उसके साथ एक दिक्कत हमेशा जुड़ जाती है, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, तो स्ट्रेटेजी तो मालूम है, एंट्री एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, बट स्टॉक कैसे पता करें हम। सो इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जब आप ट्रेड करने वाले हो उससे अगले दिन शाम को ही पता चल जाएगा कि कल कौन से स्टॉक हमको ट्रेड करने हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक्स बिफोर वन डे। आपको अगले दिन शाम को पता चल जाएगा कि कल हमको कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है। इजंट इट पावरफुल? अगर आपको लगता है यस दिस इज़ वेरी पावरफुल, कमेंट कीजिए यस पावरफुल, कमेंट में लिखिए आप यस पावरफुल, क्योंकि आपको एक दिन पहले ही पता है कि कल कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है आपको। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी सिर्फ सिंपली एग्जीक्यूट ही करनी है एंड वेट करना है प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होगा वो बुक करने के लिए। सो इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, हम देखेंगे वो भी डिटेल में, समझेंगे। एक आध एग्जाम्पल भी मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है एक स्टॉक का, और उसका वन मंथ का पूरा हमने रिपोर्ट भी दिखा है कि किस हिसाब से अगर हमने यही स्ट्रेटजी को यूज़ किया होता और हमारा स्टॉक ये सिलेक्ट जब भी आया होगा हमारे स्टॉक सिलेक्शन में, तो इसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, पूरे मंथ के अंदर क्या प्रॉफिट रहा है वो हमने चेक किया है। आप इसमें फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो या फिर आप इक्विटी कैश में भी ट्रेड कर सकते हो। सो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अवेलेबल कैपिटल हो प्रॉपर, आपका रिस्क कैपिटल भी प्रॉपर हो, तो आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंट्राडे। एट एंड ऑफ द डे आपका पोजीशन क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सो वो हम डिटेल में चेक करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन पहला और स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, जो स्टॉक सिलेक्शन में आए हुए उसको नेक्स्ट डे ट्रेड कैसे करना है वो मैंने डिटेल में इसमें हम चेक करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्क्रीन, दिस इज माय व्हाइट बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन दिस वीडियो। सो हम इस वीडियो में दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, सो मेजोरिटी पीपल कैन एबल टू अंडरस्टैंड। सो पहले हम देखेंगे द फर्स्ट स्टेप, स्टॉक सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक। कल के लिए हमको एडवांस में स्टॉक सिलेक्ट करना होगा जो हम देखेंगे, और दूसरा रहेगा टेक अ ट्रेड, उसमें ट्रेड कैसे लेना है, टेक अ ट्रेड और वी कैन से टेक एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। सो टू स्टेप्स रहेंगे, स्टेप वन इज स्टॉक सिलेक्शन, स्टेप टू इज टेकिंग अ ट्रेड और एग्जीक्यूशन। ओके, सो इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू फोकस इन एडवांस, स्टॉक सिलेक्शन शुड बी वेरी वेरी एडवांस पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, बिकॉज हम इस वीडियो में कोई भी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपली विदाउट एनी इंडिकेटर कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं वो चेक करेंगे। सो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन एबल टू टेक अ ट्रेड अगर वो रूल प्रॉपर समझ ले और स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है वो चेक कर ले। सो स्टेप वन है हमारा स्टॉक सिलेक्शन। सबसे बड़ा पावरफुल जो टूल हम वेपन माना जाता है वो स्टॉक ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन है, बिकॉज प्राइस इज गॉड, ठीक है। सो उस पर फोकस करेंगे और स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। सो अगर आपको एक दिन पहले ही पता है कि कल कौन से ट्रेड करने हैं, सो आप क्या सोचते हो, इजंट इट पावरफुल?
अगर आपको लगता है यस इट इज पावरफुल तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए यस पावरफुल, कमेंट कीजिए यस पावरफुल। अगर आपको एक दिन पहले ही पता चल जाए कि कल कौन से स्टॉक्स में हमारा ट्रेड बन सकता है और हमको मेथड भी पता है, सो हमको कल जाकर सुबह सिर्फ ट्रेड ही डालना है। अगर आपको सही में पावरफुल लगता है तो टाइप कीजिए यस पावरफुल इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट सिलेक्ट करेंगे। पहला जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो देखेंगे। हम यूज करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वी आर गोइंग टू यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो फर्स्ट कैंडल वी नीड टू चेक ऑफ द 9:15 to 9:30, ठीक है। इंडियन मार्केट्स ओपन होते हैं 9:15 और हम वेट करेंगे 9:30 तक, ठीक है। तो ये हमारा पहला कैंडल हो गया। उसका जो हाई बना होगा और उसका जो लो बना होगा उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये स्टॉक सिलेक्शन की बात चल रही है, इस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, लेट्स से एग्जांपल दिस इज अ 10th of January, ये दिन शुरू हुआ है 10th January का, पहला कैंडल फॉर्म हुआ है। सो हमारे पास अभी तो सिलेक्शन कोई स्टॉक है नहीं लिस्ट में, बट कल के लिए हमको कौन सा ट्रेड करना है वो आज आपको शाम को बैठ के 10th of January मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 को, शाम को बैठे कभी भी बैठे मॉर्निंग में बैठे बिफोर मार्केट ओपन ऑन नेक्स्ट डे, सो 11 जनवरी को स्टॉक कैसे ट्रेड करना है वो हम अभी देख रहे हैं, उसके स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। सो 11th को अगर हमको ट्रेड लेना है तो एक दिन पहले मतलब कि 10th of January को मेरे को स्टॉक का पूरा डिटेल देखना होगा। तो सबसे पहले 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मैं लगाऊंगा। पहली कैंडल जो है 10th January को 15 मिनट की, उसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अभी इम्पोर्टेंटली इसको देखना कैसे है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हाई अगर ब्रेक हुआ है तो वेरी गुड, उसी जो कैंडल ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया है उसका भी हाई उसी दिन ब्रेक होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर वन पहले स्टेप में। ओके, और सेम डे जो मार्केट ने 15 मिनट का जो लो बनाया हुआ है वो स्टॉक नीचे ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे हुआ, और वही जो कैंडल ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक किया है वही कैंडल का भी लो दूसरी कैंडल के बाद पूरे दिन में कभी भी ब्रेक होना चाहिए। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। ओके, सो आई विल अगेन एक्सप्लेन इट सिंपल, एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस रहेगा। सो मैं अभी सिंपल कैंडल स्टिक ही ड्रॉ करता हूँ। पहले 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया, उसका मैंने 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो मैंने मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। अभी मेरे को चेक करना है कंडीशन नंबर वन कि अगर पूरे दिन में हाई से समझो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इफ द हाई इज ब्रोकन आउट समवेयर हियर, सो वी नीड टू चेक द कैंडल जिस जो कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया है 15 मिनट का उसका भी हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। सो वो अगर समझ लीजिए यहाँ पे हुआ है, सो ये मेरा पहला कंडीशन मेट, ठीक है। सेम डे मार्केट ने 15 मिनट का लो ब्रेक किया है यहाँ पे, तो जो कैंडल ने 15 मिनट का जो लो ब्रेक किया है यहाँ पे उसका भी लो ब्रेक होना चाहिए जो कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सो ये मेरा हो गया कंडीशन नंबर टू। आई विल अगेन एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई शुड बी ब्रोकन आउट, विच एवर द कैंडल ब्रोक द फर्स्ट 15 मिनट हाई सेम कैंडल नीड टू बी ब्रेक द अनदर हाई ऑफ द सेम कैंडल दिस इज, ठीक है। एंड वॉट एवर द कैंडल ब्रेक्स द 15 मिनट लो द सेम कैंडल लो नीड टू बी ब्रोकन आउट ऑन द सेम डे। सो कंडीशन वन, कंडीशन टू अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार रिवाइंड करके वापस देखिए और स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका ये स्टॉक सिलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है 15 मिनट का हाई जो ब्रेक किया वो कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ है, और 15 मिनट का लो जहाँ पे ब्रेक हुआ है वो कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है। सो ये मेरा स्टॉक सिलेक्ट हो गया फॉर द नेक्स्ट डे। लेट्स से ये हो गया 10th January का प्राइस है पूरा, तो 11th January को जब भी मैं मॉर्निंग में देख चेक करूंगा तो मेरे पास ये वाला स्टॉक का लिस्ट रेडी होगा। ये मेरे लिस्ट में है क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अभी एक और सिनेरियो देखते हैं। कंडीशन हमारे क्लियर है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे और सिलेक्ट करेंगे स्टॉक इन एडवांस, हमको पहले ही पता चल जाएगा कि ये स्टॉक को कल हमको ट्रेड करना है इंट्राडे में। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने हाई और लो मार्क कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। अभी लेट्स से मार्केट ट्रेड कर रहा है साइडवेज में और इसने हाई ब्रेक कर दिया और फिर नीचे लो ब्रेक किया, फिर ऊपर आया और फिर से लो ब्रेक कर दिया ये वाला।
सो यहाँ पे ये और यहाँ पे मार्केट ओवर हो गया 330 को, मार्केट ओवर ये 915। सो यहाँ पे कंडीशन वन मैच नहीं हुई है, क्योंकि कंडीशन वन था उसका हाई जो है वो ब्रेक हुआ, इसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए जो मैच नहीं हुआ, बट यहाँ पे कंडीशन टू मैच हुआ है। सो कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों मैच होने चाहिए, तभी हम वो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, सेम वे वाइस वर्सा, अगर पहली 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और बाद में हाई, वो जो कैंडल ने हाई ब्रेक किया वो कैंडल का हाई भी ब्रेक हो रहा है, सो कंडीशन वन मैच, बट पूरे एंटायर डे में मार्केट नीचे लो ब्रेक ही नहीं किया, सो कंडीशन टू मैच नहीं हो रही, सो फिर से ये स्टॉक मेरे लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन। क्या है क्राइटेरिया है कि पहले 15 मिनट का हाई जो कैंडल ब्रेक करे उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए सेम डे, और उसी दिन में उसका पहले 15 मिनट के कैंडल का लो जो होता है अगर वो ब्रेक होता है तो वो सेम कैंडल का लो भी ब्रेक होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होगी तो ये वाला स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। नाउ वी विल चेक और टेक अ ट्रेड। ट्रेड कैसे लेना है, एक्सिक्यूट कैसे करना है नेक्स्ट डे, उसको हम चेक करेंगे अभी। तो वो बहुत ही सिंपल है, अगर एग्जीक्यूट एक बार आपके पास जब ट्रेड का स्टॉक का लिस्ट है, लेट से आपके पास दो स्टॉक आए हुए हैं फॉर नेक्स्ट डे, तो आपको वही स्टॉक पे फोकस करना है। ठीक है, लेट से एक्स वाई जेड इज योर नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट स्टॉक सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट डे एंड ए बी सी, तो आपको एक्स वाई जेड और ए बी सी के दो चार्ट को कल लगाना है मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है, और पहली 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, अगेन 15 मिनट, सेम रूल 15 मिनट कैंडल। ठीक है, 15 मिनट कैंडल, अभी ये हो गया आपका एक्स वाई जेड स्टॉक, और यहाँ पे आपने ए बी सी भी लगाया हुआ है। ओके, तो ये दोनों स्टॉक अलग हो गए। सो आपने पहले 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया है, ये हो गया हाई, ये हो गया आपका लो। सो अभी आपने ये ऑलरेडी स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि कल के क्राइटेरिया में आया है, दोनों कंडीशन मैच हुई है। आपको सिंपल अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में पहली 15 मिनट का अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाय करना है आपको सिंपल। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला लो, स्लाइटली इसके थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अगर पहले जो होता है वो ट्रेड करना है, अगर इसने हाई ब्रेक किया तो बाय करेंगे, अगर इसने लो ब्रेक कर दिया तो सेल करेंगे। ठीक है, और सेम वे में अगर यहाँ पे भी पहली 15 मिनट बन गया और उसके बाद आप समझिए यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया, हाई और लो मार्क कर दिए, स्टॉक सिलेक्टेड है, एबीसी और एक्सवाईजेड हमने सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया में आया है, दोनों क्राइटेरिया मैच हुए स्टॉक सिलेक्शन में, तो इसलिए हमको नेक्स्ट डे जो पहली 15 मिनट का हाई ब्रेक करे लो ब्रेक करे, लेट्स से इन एबीसी केस लो ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो आप सिंपल यहाँ पे 15 मिनट के पास लो के पास और यहाँ पे हाई के पास सिंपल ऑर्डर लगा के रखिए जो प्राइस आपको मालूम हो गया अभी। सो अगर आपको थोड़ा सा फिल्टर ऐड करना है तो 0.25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 0.25 का एक छोटा सा फिल्टर लगाइए, मतलब कि अगर आपका लो है 0.25 से 50 रख सकते हैं आप, 50 पैसे नीचे या 25 पैसे नीचे या 50 पैसे ऊपर या 50 25 पैसे ऊपर, जितना आप फिल्टर लगा के रखिए और वहां पे सेल करिए। ठीक है, सो यहाँ पे लो जैसे ही ब्रेक हुआ आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया सेल का, आपने स्टॉक को सेल कर दिया और आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा यहाँ पे हाई, और अगर यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ है तो ये स्टॉप लॉस आपका हो गया ये लो। ठीक है, सो वेरी वेरी सिंपल, अगेन आई एम एक्सप्लेन हियर सिंपल, अगर पहली 15 मिनट का कैंडल का मैंने स्टॉक सिलेक्शन के बाद ये स्टेप टू है हाउ टू टेक अ ट्रेड, और नेक्स्ट डे अगर मेरा स्टॉक यहाँ पे ब्रेक कर रहा है हाई तो सिंपल मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा बाय की। ओके, एंड आई विल कीप माय स्टॉप लॉस एट दिस प्लेस, लो के स्लाइडली नीचे। ठीक
ठीक है, इसको मैं होल्ड करूंगा कब तक, इसमें टारगेट कहाँ लेना है, तो टारगेट की अभी तक बात नहीं की है। सो एंट्री पहले स्टॉक सिलेक्शन क्लियर हुआ, वन और टू स्टेप जो हमने स्टॉक सिलेक्शन किया, जो हमको एडवांस में पता रहेंगे नेक्स्ट डे हमको क्या ट्रेड करना है। अभी रहेगा एंट्री कैसे करना है, तो अगर पहली 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ तो बाय कर लीजिए, वहां पे क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना, यहाँ पे कैंडल क्लोज के लिए वेट नहीं करना है, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ आपको यहीं पे एंट्री कर देना है, ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, और फिर आपको एंटायर डे 3:15 साढ़े तीन तक सवा तीन तक रुकना है, और सवा तीन को जो भी प्राइस होगा वहां पे आप उसको एग्जिट कर लोगे। सो टारगेट के लिए हमारे पास कोई एग्जिट का लेवल नहीं है, बट हम सीधा 3:15 को मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, इंडियन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे इसको एग्जिट करेंगे। अगर गलती से हमारा बाय ट्रिगर हुआ और ऊपर का मार्केट रिवर्स होता है और नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस हमारा है सिस्टम में, तो हमको वहां पे जो भी लॉस होता है वो हम लेके निकल जाएंगे, सिंपल। सेम वे में अगर पहली 15 मिनट का कैंडल से आपको एंट्री सेल के साइड मिला है यहाँ पे, ठीक है, आपका दूसरा ही कैंडल यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो आपका यहाँ पे सेल करेंगे आप, शॉर्ट सेल करेंगे इसको, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा स्लाइटली अबोव हाई, ठीक है, और आपको वेट करना है पूरा 3:15 तक, और पूरा मार्केट का हमको प्रॉफिट लेना है। अगर इन बिटवीन मार्केट घूम जाता है तो और रिवर्स करके ये हाई को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है, बट प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट हम सीधा 3:15 को जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे एग्जिट करेंगे। सो ये हो गया स्टेप वन स्टॉक सिलेक्शन, जो दो कंडीशन है, और स्टेप टू इज 15 मिनट टाइम फ्रेम हाई और लो ब्रेक, टेक अ एंट्री विथ बाय और शॉर्ट सेल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सेम जो के इस सिस्टम में हमको देखने को मिल रहे हैं। सो हम चेक करेंगे, कुछ स्टॉक्स है जो हम चेक करेंगे। सो पहले तो यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया, ओके, और ये सब मैं निकाल देता हूँ, कुछ भी अभी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल प्लेन चार्ट है कैंडलस्टिक का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये हो गया, हम पहला स्टॉक चेक करेंगे टाटा स्टील, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ पहले से ही ये सिस्टम के हिसाब से कुछ ट्रेड निकाल के रखे है। तो टाटा स्टील का अगर बात करें हम, सो फर्स्ट ट्रेड जो हमारा आया है वो की है यहाँ पे 4th of January स्टॉक हैज कम, ठीक है। क्यों आया है, क्योंकि अगर आप उसका आगे का दिन देखेंगे 1st of January, तो यहाँ पे मैं हाई और लो की बात करता हूँ। सो ये हो गया पहले 15 मिनट का हाई 1st January को, जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और उसका हाई भी यहाँ ब्रेक हुआ है, ठीक है, और पहली ही कैंडल था, पहला कैंडल है 1st of January का, ये पहला कैंडल है 15 मिनट का, उसका अगर लो बात करें तो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और ये वाला लो यहाँ पे एंड में ब्रेक हुआ है नीचे। सो मेरा पहला कंडीशन से दूसरा कंडीशन मैच हो गया, तो मुझे अभी 1st January को शाम को ही पता चल गया कि 4th January को मेरे को सैटरडे संडे को है, फ्राइडे को आया हुआ है, तो मेरे को आइडिया लग गया कि मेरे को मंडे को क्या ट्रेड करना है। तो क्योंकि मेरा दोनों स्ट्राइक स्टॉक सिलेक्ट क्राइटेरिया में आया हुआ है, वो सिलेक्ट क्राइटेरिया वन एंड क्राइटेरिया टू, कंडीशन वन एंड टू फुलफिल हियर, 15 मिनट का हाई और लो ब्रेक, जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया उसने उसका भी हाई ब्रेक हुआ है, जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उसका भी लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। तो अभी मेरे को मालूम है मंडे को कौन सा ट्रेड लेना है, सिंपल पहला 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होने दिया हमने, लेट मी रिमूव सम हियर, ठीक है, अभी आपको क्लियर समझेगा कि यहाँ पे मैंने स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरा कंडीशन वन एंड टू मैच हो गया। अभी मैं नेक्स्ट देखो, ये पहला कैंडल फॉर्म हुआ है मंडे को, तो इसका हाई और लो के ऊपर हमको बाय करना है। सो सिंपल एक इसका हाई और मैंने लो मार्क कर लिया, क्योंकि अभी पता नहीं है कि स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है,
तो हाई हो गया 656.50 का, तो उसके ऊपर आप 657.50 या 25 पैसा का गैप लग गया, अब उसको बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो अभी चेक करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ट्रिगर हो गया मेरा, क्योंकि हाई क्रॉस कर दिया। तो अभी देखते हैं कि 3:15 बजे तक इसने क्या मूवमेंट दिया। और मालूम याद रखिए, हमको प्रॉफिट बुक करके निकलना नहीं है, जस्ट 657 का हमारा एंट्री है एंड वी विल एग्जिट एट दिस 3:15 को क्या प्राइस है वहां पे हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 695, दिस इज द काइंड ऑफ रैली। ठीक है, अगर आप मार्केट में अगर प्रॉफिट बुक करके कहीं पे निकल गए कैंडल देख के, लो ब्रेक होके, ये वो, आपको ये बड़ा रैली मिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा वेट कीजिए 3:15 बजे तक का। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका अगर हाई से क्रॉस करें तो ऑलमोस्ट हमको 39-40 पॉइंट्स का ये मूव मिला हुआ है। सो ये आपको बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, जिसका एडवांस स्टॉक क्राइटेरिया सिलेक्शन भी है हमारा। अगर उसी की बात करें हम, तो यही स्टॉक टाटा स्टील को, ये हो गया जनवरी में। अगर पूरा दिसंबर मंथ हम चेक करें तो कितने ट्रेड आया है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो प्रीवियसली ट्रेड कब आया है, तो अगर हमको वो देखे तो मैंने ऑलरेडी निकला हुआ है। तो 16 दिसंबर को एक और ट्रेड आया था टाटा स्टील के अंदर। तो 16 दिसंबर हम चेक करेंगे पीछे जाके, 16 दिसंबर इज समवेयर हियर, यहाँ पे है। अभी ये 16 दिसंबर को क्यों हमने शॉर्टलिस्ट किया, बिकॉज अगर 15 दिसंबर अगले दिन हम चेक करें तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। लेट मी मार्क द हाई हियर एंड द सेम लो हियर। ठीक है, ये जो हाई है वो यहाँ पे क्रॉस हुआ और उसका हाई भी यहाँ क्रॉस हुआ, कंडीशन 1 मेट। लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे और उसका इसका लो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अगर छोटा सा हम देखें तो 617.80 और 617.35, तो ये ब्रेक हुआ है। तो कंडीशन 1 और 2 मैच। सो नेक्स्ट डे हमको क्या करना है, पहला 15 मिनट का हाई ब्रेक किया वहाँ बाय करना है और पूरे 3:15 बजे तक रुकना है। तो इस दिन हमको बड़ा रैली नहीं मिला है। कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है रैली आपको नहीं मिलेगा, बट अगर हम देखें तो छोटा सा लॉस हो रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 पॉइंट का, क्योंकि हमको 3:15 को यहाँ पे निकलना है। तो ऑलमोस्ट हमको 3 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पॉइंट लॉस हो रहा है हमारे। और सेम वही मंथ में की बात करें हम, तो एक ट्रेड 11 दिसंबर को भी आया हुआ है। तो 11 दिसंबर यहाँ पे है और उसके आगे का दिन हम चेक करें, क्योंकि 11 दिसंबर को हमने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि हमारा कंडीशन 1 स्टॉक सिलेक्शन का मैच हुआ है 1 और 2। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करता हूँ 10 दिसंबर का हाई, पहली 15 मिनट का हाई और पहली 15 मिनट का लो, तो इसका हाई का हाई भी ब्रेक हुआ है यहाँ पे और ये जो लो ब्रेक हुआ है ये कैंडल का, उसका लो भी यहाँ ब्रेक हुआ है। इसी वजह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो ट्रिगर क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे 11 को हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री किया, ऊपर तक गया फिर नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो यहाँ पे हमने लगाया है नीचे, जो हिट नहीं हुआ है। तो हमको 3:15 बजे मार्केट जब क्लोज हो रहा है वहां पे निकलना है। तो ऑलमोस्ट इसमें मेरा एंट्री करीबन हुआ है 621 के पास, यहाँ पे ये हाई जो है, और क्लोजिंग मेरा है 621 के पास। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कुछ जो मेरे को कॉस्ट लगेगा जो मैंने ट्रेड किया है वही मेरे को हुआ है, मतलब जीरो यहाँ पे लॉसेस बड़े हुए नहीं है कुछ भी। कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट करेंगे। और अगर और पूरा मंथ की अगर बात करें हम, तो 9 दिसंबर को फिर से एक ट्रेड मिला हुआ है जो कि ये है। तो हमको 8 दिसंबर जो स्टॉक सिलेक्ट क्यों किया है 9 दिसंबर के लिए, तो 8 का हमको पहले एक बार चेक कर लेंगे। सो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कल के लिए क्या ट्रेड आएंगे, मतलब आज अगर आप आज देख रहे हो तो आज मार्केट क्लोजिंग के बाद कंडीशन 1-2 चेक कीजिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो आपके पास लिस्ट होगा कि कल 2-3 या 1 जो भी स्टॉक आया है वो आपके पास पता है आपको एडवांस में इसमें ट्रेड क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट डे अगर जैसे मार्केट ओपन होता है पहले 15 मिनट आप वेट करोगे, हाई और ब्रेक हो रहा है तो बाय करोगे, लो ब्रेक हो रहा है तो आप सेल करोगे शॉर्ट सेल। तो 8 दिसंबर को इसका लो यहाँ पे है और इसका हाई, दिस इज द हाई। सो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, पूरे एंटायर डे में ये कैंडल का हाई भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है और यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है और यही कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक। सो दैट इज द रीजन दोनों कंडीशन मैच हो रहे हैं, इसलिए हमको 9 दिसंबर को
पहले 15 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो 615 पे मैंने सेल किया और मैं वेट करूंगा 3:15 बजे तक, तो ऑलमोस्ट 609 के पास मेरे को मिला है। तो मेरे को 6 पॉइंट का एक प्रॉफिट इसमें मिला है, 6 साढ़े 6 पॉइंट का, तो वो मैं बुक करूंगा 3:15 बजे। यहाँ पे सेल किया तब मेरा स्टॉप लॉस ये हाई के पास में लगाऊंगा, हाई के स्लाइडली ऊपर 50 पैसे 25 पैसे स्लाइडली ऊपर रखेंगे, ठीक है। सो एंटायर अगर दिसंबर मंथ में और एक ट्रेड मिला है 7th of December को, टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ। ऐसे दूसरे भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको आपके कैपिटल किस हिसाब से आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप मल्टीपल स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर दिन ट्रेड आने नहीं वाला, महीने में आपको 2-3-4-5 पता नहीं बट कुछ भी ऐसे नंबर ट्रेड मिलेंगे। अगर आप टाटा स्टील ही ट्रेड कर रहे हो तो आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। सो अभी टाटा स्टील में अगर और एक बात करें तो 7th of December को ट्रेड आया हुआ है, तो हमको चेक करेंगे हम 6 को छुट्टी थी तो 4 December का इसका हाई और लो मैंने मार्क किया। स्टॉक सिलेक्शन क्यों किया हमने वो चेक करने के लिए। सो इसका हाई ब्रेक हुआ, उसका हाई भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे उसका लो भी ब्रेक हुआ, दैट इज द रीजन कि हमने 7 December को यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है। अगर हमने जो फिल्टर रखा है उसकी वजह से ये क्रॉस नहीं हुआ है, बट हमारा पहला ही यहाँ पे लो ट्रिगर हो चुका है, तो ये इसके स्लाइडली ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा है, वो भी हमारा ट्रिगर नहीं हुआ और पूरे दिन मार्केट नीचे ही गए, तो यहाँ पे हमको कुछ 7 से 8 पॉइंट का गेन मिला है। लेट मी शो यू सिंपल यहाँ से लेके ये वाला, सो 7.5 पॉइंट का कुछ गेन मिला है हमको, ठीक है। और अगर टाटा स्टील की बात करें तो इसका 1700 का लॉट साइज है फ्यूचर में, क्योंकि ये इंट्राडे रहेगा, आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो, आप इक्विटी कैश में भी कर सकते हो, वट एवर कैपिटल यू हैव यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान द ट्रेड, बिकॉज अभी आपके पास स्टॉक सिलेक्शन है क्लियरली, नेक्स्ट डे क्या ट्रेड करना है आपको अगले दिन ही पता है, और आपके पास एंट्री और एग्जिट भी पता है, स्टॉप लॉस कहाँ करना है, एंट्री कहाँ लगानी है, वो भी आपको क्लियर है। सो अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो हमको टोटल इसमें अगर दिसंबर मंथ की ही बात करें तो करीबन 4 ट्रेड मिले हैं, ठीक है, और 4 ट्रेड के अंदर हमको प्रॉफिट कितना हुआ है अगर वो हम चेक करें तो इसमें प्रॉफिट के पॉइंट्स मिले हैं 4 ट्रेड के अंदर हमको 45 पॉइंट्स जैसे कुछ हमको यहाँ पे गेन मिला है टाटा स्टील में। अगर हम जनवरी मंथ का प्रॉफिट जो ट्रेड है वो नहीं गिने तो लास्ट वाला जो जनवरी में जो बड़ा ट्रेड मिला है अगर उसका कैलकुलेशन नहीं करें फिर भी हमको 45 पॉइंट्स का एक गेन मिला है पूरे मंथ में दिसंबर में। सो अगर मैं 45 और टाटा स्टील का लॉट साइज है 1700 सो ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग 76,000 इन अ वन मंथ, ठीक है। ये काउंट हो रहा है जनवरी का ट्रेड को काउंट कर भी अभी, ठीक है। अगर जनवरी में हमको कितना गेन मिला है अगर वो हम काउंट ना करें तो काफ़ी बड़ा है, तो इट्स ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। सो 45 माइनस 35 इज ऑलमोस्ट 10, सो इट्स ऑलमोस्ट आपको 17,000 से 18,000 का एक प्रॉफिट अगर आप सिर्फ दिसंबर मंथ काउंट करेंगे तो भी इसमें इतना प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। वैसे कुछ और स्टॉक का भी मैंने चेक किया हुआ है जो दिसंबर मंथ का ही किया है, तो उसमें हमने टाटा स्टील का देखा अगर हम सिर्फ दिसंबर का गिने तो हमको टाटा स्टील में 18,000 कुछ मिल रहा है। अगर जनवरी का हम ट्रेड भी काउंट करें तो हमको टोटल 76,000 प्रॉफिट मिल रहा है। एक्सिस बैंक में भी हमको वैसे ट्रेड मिला है ऑलमोस्ट, उसमें भी 39 पॉइंट्स मिले हैं, और कितने ट्रेड मिला है एक्सिस बैंक का अगर बात करें तो टोटल 4 ट्रेड मिले हैं जिसमें से एक स्टॉप लॉस हुआ है, एक में ट्रिगर ही नहीं हुआ है नॉट एप्लीकेबल, और उसका अगर लॉट साइज है 1200 का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो आप उसमें भी 47,000 का आपका प्रॉफिट हो सकता है एक्सिस बैंक में, ठीक है। जनवरी का ट्रेड काउंट करें तो अगर जनवरी का ट्रेड काउंट नहीं करें फिर भी हमको यहाँ पे 9,200 का एक प्रॉफिट हो सकता है। सेम वे में अरबिंदो फार्मा एक स्टॉक रैंडमली एक सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक जिसमें ट्रिगर हुआ है तो उसमें भी टोटल 4 ट्रेड हुए जिसमें से एक में हमको स्टॉप लॉस लगा हुआ है और बाकी 3 में हमको प्रॉफिट मिला है, वो भी ऑलमोस्ट 29,700 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने चेंज भी किया हुआ है कि दिसंबर मंथ में अगर मेरे को प्रॉफिट काउंट करूँ मैं सिर्फ जो जनवरी का एक बड़ा ट्रेड आया है उसको हम काउंट नहीं करें तीनों स्टॉक के अंदर, फिर भी दिसंबर मंथ में हमको टाटा स्टील में 18,900 ऑलमोस्ट मिल रहा है,
एक्सिस बैंक में 9,200 मिल रहा और अरविंदो फार्मा में 11,300 के करीब प्रॉफिट मिला, सो विच इज अराउंड 39,570। ठीक है, सो ये हो गया एक, सिर्फ तीन स्टॉक्स मैंने रैंडमली लिए हैं। आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स, आप 10 से 15 स्टॉक्स बनाइए और उसमें एवरीडे चेक करिए शाम को, क्योंकि आपको अभी हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे कंडीशन 1 और 2 चेक करने, अगर कंडीशन 1 2 मैच हो गए वो स्टॉक हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कर पाएंगे हम उसमें, और एंट्री एग्जिट हमको अभी क्लियर मालूम है। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये मार्जिन का इंट्राडे मार्जिन है ये, उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अगर टाटा स्टील में है, ये इंट्राडे के मार्जिन है, कैरी फॉरवर्ड मार्जिन नहीं है, तो ये हो सकता है। अगर आप एक ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहो तो भी कर सकते हो, या मल्टीपल स्टॉक्स में भी कर सकते हो, बिकॉज ट्रेड कम आएंगे इसमें, बट आएंगे तो बड़े अच्छे प्रॉफिट भी देंगे, और लॉसेस कराएंगे तो छोटे छोटे लॉसेस हमको मिल सकते हैं, जैसे हमने टाटा स्टील में देखा था, एक्सिस बैंक में हमने यहाँ पे देखा है कि 5 पॉइंट का एक लॉस हो रहा है, और अरविंद फार्मा में भी एक लॉस हुआ है जिसमें 11 पॉइंट हमारे गए हैं, बट आप उसके सामने प्रॉफिट देखिए। अगर आप लंबा रुकते हो 3:15 बजे तक, तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर जनवरी मंथ का अगर काउंट करें तो काफी बड़े बड़े ट्रेड्स हमको मिले हुए हैं। सो लेट मी बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन। सो दिस इज वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी जो हमने अभी ही डिस्कस की, वेरी वन ऑफ द प्राइस एक्शन पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी समझता, फिर भी आप कर पाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं अभी आउटर वीडियो में। सो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, और नाउ आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि अभी कौन सा स्टॉक आएगा, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों मैच होनी चाहिए, उस स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, और उसमें एंट्री कैसे करना है अभी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए, अब मेरे को ट्रेड इंट्राडे ट्रेड करना ही है। और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, और काफ़ी बार मैंने देखा है काफ़ी लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, बड़ा पैसा लगाते हैं, एक लॉट नहीं बहुत मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं, बट नाउ यू हैव अ वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम, और उसमें स्टॉक भी हमको पहले ही पता है, तो हमको किस हिसाब से कल ट्रेड करना है वो आपका भी आइडिया लग गया होगा, एंड बहुत ही आपको इसमें एक फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज आपको एडवांस में स्टॉक पता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और इम्पोर्टेंटली इसमें पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, भले ये इंट्राडे भी हो, क्योंकि अगर आप जल्दी निकल जाओगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि 3:30 बजे तक मार्केट एंड होने तक हमको इसमें रुकना है प्रॉफिट बुक करने के लिए, अगर आप प्रॉफिट में हो तो। स्टॉप लॉस का हमारा क्राइटेरिया फिक्स है, अगर इन केस मार्केट रिवर्स हो जाता है आपके एंट्री के बाद, तो कहाँ पे आपको एग्जिट करना है वो आपको क्लियर आइडिया है अभी। सो प्रॉफिट लॉस कितना होगा वो आपको पहले ही पता है एंट्री करने के, बट कितना प्रॉफिट होगा वो हमको एंड ऑफ द डे ही पता चलेगा, क्योंकि हमको पूरा एंटायर रैली को कवर करना है। सो जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा कि लास्ट में जो एक बड़ा रैली दिखा था टाटा स्टील के एग्जांपल में, तो अगर आपको एक महीने के अंदर अगर एक भी स्टॉक ऐसा मिल गया, सो इट विल कवर एंटायर एक्सपेंस ऑफ दैट मंथ, अगर आपने वो फ्यूचर्स में ट्रेड कर लिया होगा, या फिर अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड कर लिया और पूरा रैली आपने लिया होगा, इट विल मेक्स टन्स ऑफ मनी फॉर यू। ठीक है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा है, कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा होगा, आप बहुत ही पावरफुली ईगरली वेट कर रहे हो कि कौन सा स्टॉक अभी आएगा और मैं इसमें ट्रेड करूँगा, और आशा रखता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए इसके नीचे आपको क्या पसंद आया स्ट्रेटेजी के बारे में, शेयर कीजिए इस वीडियो को अदर ट्रेडर्स को, क्योंकि रैंडमली ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, बट आशा रखता हूँ कि अगर ये वीडियो शेयर करेंगे दो लोगों तक पहुँचेगा तो वो प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे, और आपके नॉलेज के अंदर कुछ नया एडिशन हुआ होगा वो मेरे को मैं आशा रखता हूँ वो भी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, एंड वेट फॉर माय अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।